कोई भी, अब इंडिया के क्रिकेटर से पूछोगे वो बोलेंगे नहीं, ये बात नहीं करेंगे कि नहीं यार हमें जानना चाहिए क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, हमारे ये बकरी बीसीसीआई झूठों ने एशिया कप में ड्रामेबाजी कर ली, लेकिन ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, हमें जाना पड़ेगा, हमें इसमें कोई भी नहीं करना, कोई ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर इंडिया का प्लेयर यही बोलेगा, नहीं जी हाइब्रिड कर लो, नहीं जी ये कर लो, नहीं जी ये कर लो, नहीं जी वो कर लो। अबे शेर तुम लोग थोड़ी हो, शेर हम लोग हैं। खिदमत में एक खबर पेश करूं कि हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान हम अपने प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं भेजना चाहते हैं, अगर हमारे प्लेयर्स सिक्योर नहीं है तो हम उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, पाकिस्तान हमारे बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेले। तो हाफिज साहब क्या ऐसी बात हो गई है, पूरी दुनिया से बढ़के हैं क्या इंडिया के प्लेयर्स, जब पूरी दुनिया के प्लेयर्स आ रहे हैं तो व्हाई नॉट इंडिया। चले हमने कर दिया, हम चले गए, वो अभी भी नहीं आ रहे, या फिर इस किस्म की बातें हो रही हैं, हमने फिर जाना होगा उसके बाद हम फिर चले जाएंगे, ये व्हाई इज दिस लचक। आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, नहीं जाएगा इंडिया खेलने के लिए तो मैं बेटा जो करना उखाड़ लो, तुम्हें जैसा करना है तुम करो, नहीं जाएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इधर मत आना, बहुत बेइज्जती होगी तुम्हारी, मत आना यहां पे इंडिया कोई भी मैच हो, भारत मत आना, जलील बेइज्जत ख्वार कर दिए जाओगे यहां पे, ठीक है, गेट आउट आउट। जिसका नुकसान भुगतना पड़ेगा सबसे पहले आईसीसी को और दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान को। देखो यार ये सोचने वाली बात तो है, खतरनाक न्यूज तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हंसी इस बात पे आ रही है कि मुझे एशिया कप याद आ जाता है, क्योंकि भाई पाकिस्तान इसी तरीके से बोल रहा था, अगर एशिया कप में अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम हिंदुस्तान वर्ल्ड कप के लिए, वनडे वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे। तो भाई मेरे को वो आगे भी इंडिया में होनी है चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम उसके बाद वर्ल्ड कप है, हम एवरी टाइम व्हाई डू वी हैव टू गिव इन, ये बात समझ नहीं आ रही। और ये प्लेयर्स को आप माने या ना माने, हम पहले भी जब प्लेयर्स हमारे इंडिया गए हुए थे तो हम कह रहे थे कि कितना इसका असर पड़ता है, और ये पड़ता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिसका डर था वही बात हो गई, वो बहुत इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, इतनी देर तक हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में कयाम नहीं कर सकते, हमारे क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं तश्वीश है पाकिस्तान जाने में, इस तरीके की बातें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आती रही थी। बिलाखिर आज जो इजलास हुआ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ढाका में, उसके बाद जो उनके क्रिकेट बोर्ड के सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाजे कर दिया कि उनकी टीम मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकती। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं मशरक़ वुस्ता में उसको बुनियाद दोस्तों, पाकिस्तान के हाथ से चैंपियन ट्रॉफी जाती हुई दिखाई दे रही है और पाकिस्तान का दोस्तों धमकियां देना शुरू हो गया है। दोस्तों पाकिस्तान की जो पीसीबी है उसका कहना है कि भाई अगर ये जो चैंपियन ट्रॉफी अगर ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई तो इसका खामियाजा बीसीसीआई और आईसीसी को भुगतना होगा। दोस्तों मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किस प्रकार का नुकसान उठाएंगे, क्या वहाँ पर जाके आईसीसी के दफ्तर पर बम फोड़ेंगे क्या, मतलब इस तरीके की दोस्त बातें कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, और ये क्या ही मैं इनके बारे में बोलूँ। दोस्तों ये इनकी साफ लास्ट वार्निंग है, मतलब इस तरह का इनका कहना है कि हम आखिरी बार बोल रहे हैं कि इसमें जो ये होनी थी पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए और पाकिस्तान इसका होस्ट है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान अब धमकियां देने, पीसीबी ने देखिए साफ बोल दिया है कि भाई हम आप इसे चाहे कुछ भी हो जाए हम चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान के अंदर करा के रहेंगे। और दोस्तों एक तरफ बीसीसीआई बोल चुका है भाई हमने खिलाड़ी नहीं भेजेंगे जब तक हमें ऑफिशियल सरकार की तरफ से नोटिस मिलेंगे ही मिलेगा, लेकिन दोस्तों सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिलने वाला है, सरकार कभी नहीं भेजेगी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को पाकिस्तान। तो अब ये पाकिस्तान के क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर कैसे आग बबूला हो रहे हैं, जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा, मतलब इनका गुस्सा जो है पूरी तरीके से टूट पड़ा है। तो दोस्तों आगे इनका गुस्सा देखते हैं किस प्रकार का, आप देखते हैं आगे वीडियो में। हिंदुस्तान नहीं आया तो भैया जितना नुकसान हिंदुस्तान हमें दे रहा है उससे दुगना नुकसान जो है हम हिंदुस्तान को देंगे। देखिए अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान तो होता है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान जाती है, लाहौर जाती है और हीरा मंडी भी लाहौर में ही है, अगर लाहौर जाती है तो लाहौर में जो मैच होगा हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान का, सोचिए पाकिस्तान का जो कर्जा है, जो आईएमएफ का कर्जा है पाकिस्तान पे, वो पूरा उतर जाएगा। ये आपको मजाक लग रहा होगा, जिसको यकीन नहीं आता, जिसको पता नहीं होता उसको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये एक हकीकत है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक सैलाब आ जाएगा, एक सुनामी आ जाएगी जो बिल्कुल नीचे से जो है अप हो जाएगा और एकदम से पाकिस्तान के कर्जे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि
पाकिस्तान के अंदर वो लोग भी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी क्रिकेट का नाम भी नहीं सुना, वो भी जरूर आएंगे हिंदुस्तान की टीम को देखने के लिए ग्राउंड, और वो उस मैच का टिकट जरूर लेंगे। तो भैया जो टिकटें आम मैचेस में 5,000, 2,000, 6,000 की बिकेंगी, वही टिकटें लाखों रुपए की बिकेंगी। और यही काम हिंदुस्तान में भी वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था, और यही काम यूएसए में भी हुआ, और ये चलता रहा है, ये सिलसिला, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं जाता तो पाकिस्तान भले अफगानिस्तान भी चला जाए, दुनिया चली जाए, इतना नहीं कमा सकता जितना वो हिंदुस्तान के एक मैच से, या मेरे ख्याल से कि हिंदुस्तान के वहाँ जितने भी मैचेस होंगे पाकिस्तान की आवाम आएगी उनको देखने, जितनी कमाई वो हिंदुस्तान की टीम से कर पाएंगे। यहाँ पर जिद जो लगा के बैठा हुआ है पाकिस्तान, तो इसके पीछे भैया मामला सारा पैसों का है, और हिंदुस्तान भी अपनी जिद पे अड़ा है। उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि भाई हम नहीं आएंगे। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने जो है खुलकर आगे, और उन्होंने ये कहा है कि हम मजाक नहीं कर रहे, ये कोई वो एशिया या वनडे वर्ल्ड कप नहीं है, इस बार हम बड़े सीरियस होकर ये बात बता रहे हैं एक चीज के ऊपर कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान के अंदर ही होगी। अभी कल बात आई थी कोहोस की कि यूएई को कोहोस बना देंगे, पीसीबी का एक सख्त जिसको कहते हैं ना रिप्लाई आया, उसके बाद से खबरें चल पड़ी है पीसीबी के चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, नजम सिटी वापिस आ रहे हैं। आपको याद होगा रमीज राजा वो डट गए थे कि एशिया कप होगा तो पाकिस्तान के अंदर ही होगा, एशिया कप नहीं होगा फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी डोला पड़ेगा, उन्होंने तब ये बात की थी। अगर आपने ये हाइब्रिड मॉडल करवा दे फिर हर दफा यही काम होगा, और हुआ था कि आपने हाइब्रिड मॉडल करवा दे फिर वर्ल्ड कप तो आपने इंडिया में जाके खेला, ये कहकर आईसीसी टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया भी आएगी, अब कर लो जो करना है कर लो। अब उसके बाद क्या हुआ, नजम सेठी को चेयरमैन बना दिया गया, अब बातें ये सामने आ रही है मोहसिन नकवी को भी हटा के चेयरमैन बनाया जाएगा क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, कुछ ना कुछ किया जाएगा। होगा क्या, आपको एक तो चीज माननी पड़ेगी जो भी है, मैंने थोड़ा डीप इसके ऊपर किया हूं और मैंने एक चीज का एनालाइज किया कि बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस है ना ये बहुत ज्यादा है, बीसीसीआई की अप्रोच बहुत ज्यादा है, ये कुछ भी करवा सकते हैं यार, ये कुछ भी करवा सकते हैं, ये किस तरीके से ये गेम चलाते हैं समझ से बाहर है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है, ये इसमें कोई शक नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। और अगर ये मोहसिन नकवी साहब चेंज होते हैं इसके अंदर बीसीसीआई का ही 100% हाथ होना है, वही जिसको कहते हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तान जब तक मोहसिन नकवी साहब है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवा के रहेगा, इसलिए उस बंदे को लेकर है जिसके साथ हमारी बातचीत अच्छी चलती होती है। और नजम सेठी साहब वो इंसान है जिन्होंने हाइब्रिड मॉडल बीच में रखा और इंडिया को एक रास्ता दिया कि आप इसके थ्रू आगे जाके खेल लें, अब आपको भुगतना पड़ रहा है। अब चैंपियंस ट्रॉफी कल खबर है को होस्ट वाली, अभी तक आईसीसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया इसके ऊपर, लेकिन ये होता नजर आ सकता है, हो भी रहा है, तो फायदा क्या हुआ आपका चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का। फिर नजम सेठी साहब आए अगर चेयरमैन बनेंगे तो वो कहेंगे एक ऑफर ला के रख देंगे कि मतलब कि ये इससे पाकिस्तानी क्रिकेट का बड़ा फायदा होगा, ये होगा वो होगा, हम चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे करवा लेते हैं कल को, फिर हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, हमारे मैचेस भी होंगे वो श्रीलंका के अंदर होंगे, हम इंडिया में जाके मैचेस नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना, सब कुछ होगा। दोस्तों जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया भाई खूब ताबड़तोड़ मतलब एक तरीके के चिल्ला रहा है, हल्ला मचा रहा है, बेइज्जती कर रहा है, गालियां दे रहा है भारतीय मीडिया को, भारतीय बीसीसीआई को दे रहा है, मतलब इस तरीके की बातें पाकिस्तान की मीडिया में हो रही हैं, कोई अपने आप को शेर बता रहा है, कोई चीता बता रहा है, दोस्तों इस तरीके की बातें पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान के एक्सपीडर कर रहे हैं। तनवीर अहमद को देखा होगा जैसे दोस्तों अपने आप की अपनी टीम को शेर बता रहा है, कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये कुछ भी नहीं हो पाएगा इनसे यार, बीसीसीआई ने मना कर दिया तो कर दिया, तुम किसी को भी उखाड़ लो, आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा है, कोई आईसीसी खुद नहीं चल रही है, तुम्हारे कहने के एक एक बात नहीं मानेगी, तो ये सब दोस्तों चल रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।